पूरे पॉजिटिव पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स लिया जाए उसको अगर लिखे मल्टीपल्स के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो आप जानते हो फॉर्म क्या होगा, या तो 3q होगा या 3q+1 होगा या 3q+2 होगा। आइए इसके बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, कुछ मोर क्वेश्चंस इस पे किया जाए। क्वेश्चन है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा क्वेश्चन क्या है, इस 3 में से कोई एक ही एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर में से कोई एक ही डिविजिबल होगा, किससे 3 से, कब, अगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब। अच्छा कुछ नंबर्स को लेकर के देख ले क्या कह रहा है। एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब, मान लेते हैं एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स अपने से कुछ भी ले सकते हो, दैट इज कंसीडर एन इज इक्वल टू 5। तो चेक किसके लिए करना है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स एन को हम लोगों ने 5 माना तो कौन से नंबर पे चेक करना है, एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर। एन एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों ने माना, चेक करना है एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर पे। एन जब 5 है तो 5 ही होगा, एन प्लस टू क्या हो जाएगा 5+2 दैट इज 7, एन प्लस फोर क्या होगा 5+4 9। अच्छा यहाँ पे एन जब 5 है तो एन 5 ही रहेगा, एन प्लस टू 7 होगा, एन प्लस फोर 9। अब 3 नंबर्स मिला। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन एन प्लस टू और एन फोर प्लस फोर इस तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा 3 से, अगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब। क्या 5, 7, 9 में से कोई एक ही डिविजिबल है 3 से, 5 होगा 3 का डिविजिबल नहीं, 7 होगा नहीं, यस 9 होगा, 9 3 से डिविजिबल है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा आप कोई भी नंबर्स को लेकर के यहाँ चेक कर सकते हो, कोई भी एन एक पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप लोगे एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर में से कोई एक ही डिविजिबल होगा, किससे 3 से, कब, अगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब। चलिए ये तो हम लोग नंबर्स को लेकर एग्जांपल देख लिए, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन करना पड़े तो कैसे करेंगे, मैं आपको बताया था कौन सा फॉर्म यहाँ पे लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 3 का मल्टीपल, दैट इज मान लेते हैं एन यहाँ पे दे रखा है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है तो एन का फॉर्म मान लेते हैं 3 का मल्टीपल वाले फॉर्म। पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर्स को आप 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, या तो नंबर 3q होगा या 3q+1 या 3q+2। सो लिखना पड़ेगा लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर of the form 3q or 3q+1 or 3q+2। n तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, n पॉजिटिव इंटीजर्स या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 अधिक होगा या 3 के मल्टीपल से 2 अधिक होगा, डिपेंड करता है, या तो हमें जनरल वैल्यू एज्यूम करना पड़ रहा है ना। पहला केस अगर n 3q होगा तब, सेकेंड केस n अगर 3q+1 होगा तब, थर्ड केस n 3q+2 होगा तब। सो इस तीनों केस के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। केस 1,
यहां आपको तीन केस बनाना पड़ेगा, केस वन व्हेन, केस वन में क्या लेंगे, जब n 3 क्यू होगा तब, व्हेन n इक्वल टू 3 क्यू, अगर n 3 क्यू है तब हमें चेक किसके लिए करना है, n n प्लस टू और n प्लस फोर के लिए। सो देन चेक करना है n n प्लस टू और n प्लस फोर, n क्या माने 3 क्यू, मतलब 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल कोई भी आप नंबर्स ले सकते हो, लाइक 3 का मल्टीपल आप लिए 12, n तो 12 हो जाएगा, यहां n प्लस टू क्या बन जाएगा 14, n प्लस फोर क्या बन जाएगा 16, सो 12 14 16 में से कोई एक ही नंबर किसे डिविजिबल होगा 3 से। नाउ यहां n की जगह वैल्यू डालते हैं, n 3 क्यू, n प्लस टू क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस टू, n प्लस फोर, n की जगह जो वैल्यू लिए है ना उसको डाला जाए 3 क्यू प्लस फोर। अच्छा इस ये एक n 3 क्यू है, हो सकते हैं इस केस में n को जब 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो क्यू कोशंट मिल रहा है और रिमाइंडर क्या मिला 0। अच्छा रिमाइंडर इस केस में 0 मिल रहा है, इसका मतलब यह नंबर किससे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय थ्री। सेकेंड केस में बोलते हैं n प्लस टू एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, इसको जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू कोशंट मिल रहा है और 2 रिमाइंडर मिल रहा है, इस केस में रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब जब नंबर्स को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर डिविजिबल नहीं है, इस इसका मतलब नॉट डिविजिबल। बाय सी आइए इस नंबर के बारे में आप क्या बोलेंगे। अच्छा आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि अगर नंबर को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, रिमाइंडर जब भी मिलेगा तो कितना मिलेगा 3 से कम। अच्छा इसको ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर भी आपको 4 दिख रहा है, इसको नहीं, आपको रिमाइंडर को 3 से छोटा बनाना पड़ेगा। सो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3 के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें से ना 3 कॉमन ले लीजिए, जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा क्यू प्लस 1 प्लस ऑफ 1। तो ऑब्वियस है ना, अगर रिमाइंडर 3 से अधिक हो रहा है इसका मतलब आप कोशंट को अगर x लिए होंगे तो कोशंट तो एक बढ़ जाएगा ना, x प्लस 1 हो जाएगा। सो वही केस है यहां पे, 3 से जब अब क्या है नंबर्स को जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशंट क्या मिल रहा है क्यू प्लस 1 और रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है 1। तो क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या मिल रहा है 1, इज नॉट डिविजिबल बाई 3। सो यहां पे हमने देखा कि 3 में से n n प्लस टू और n प्लस फोर में से अगर n 3 क्यू है तो क्वेश्चन के अनुसार कोई एक ही डिविजिबल होना चाहिए 3 से। सो n प्लस फोर नहीं है, n प्लस टू नहीं है, लेकिन n है, एक तो होगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा। सो आउट ऑफ n n प्लस टू एंड n प्लस फोर ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3, आउट ऑफ n n प्लस टू और n प्लस फोर ओनली 1 इज डिविजिबल बाय ओनली n इज डिविजिबल बाय 3। हाँ सो ये पहला केस था, अब सेकेंड केस करते हैं। तीन केस बनाना पड़ेगा, यह क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा सीबीएसई में तो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। केस टू, व्हेन पहला केस हम लोग कर चुके हैं, दैट इज 3 क्यू, अगर n 3 का मल्टीपल होगा। सेकेंड केस कौन सा हो जाएगा, 3 के मल्टीपल से एक अधिक, दैट इज 3 क्यू प्लस 1, व्हेन n इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। इन दिस केस देन अगर n 3 क्यू प्लस 1 है तब 3 क्यू प्लस 1 मतलब
थ्री के मल्टीपल से क्या एक अधिक। इस केस में चेक किसके लिए करना है, एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर के लिए। देन एन एन प्लस टू एंड एन प्लस फोर, एन बराबर तो थ्री क्यू प्लस वन है, एन प्लस टू क्या हो जाएगा अगर एन की जगह थ्री क्यू प्लस वन डालेंगे तो थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू दैट इज थ्री क्यू प्लस थ्री, एन प्लस फोर थ्री क्यू प्लस वन प्लस फोर कितना बन जाएगा फाइव। अच्छा यहां एन के बारे में आप क्या बोलोगे, एन जब थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू क्या मिल रहा है कोशेंट मिल रहा है, वन क्या मिल जा रहा है रिमाइंडर, इसका मतलब यह नंबर तो डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री। अच्छा इसको क्या बोलोगे, जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री रिमाइंडर नहीं आएगा, इसका मतलब जो कोशेंट है उसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। इसको जरा से आप ब्रेक कर लेते हैं, थ्री कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा क्यू प्लस वन। बोलेंगे इस नंबर एन प्लस टू को जब थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू प्लस वन क्या मिल रहा है कोशेंट रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है जीरो, मतलब यह नंबर किसे डिविजिबल होगा थ्री से, इज डिविजिबल यह नंबर एन प्लस टू इस केस में डिविजिबल है, डिविजिबल बाय थ्री। थ्री प्लस फाइव के बारे में क्या बोलोगे, रिमाइंडर कभी थ्री से छोटा होगा, इसको आपको ना ब्रेक करना पड़ेगा। थ्री के टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं, थ्री क्यू प्लस फाइव को क्यू क्या लिख सकते हैं थ्री प्लस टू। थ्री के टर्म्स में इसलिए ब्रेक किए ताकि यहां से थ्री आप कॉमन ले लोगे, थ्री आप जब कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा क्यू प्लस वन प्लस टू। अब इसके बारे में क्या बोलोगे, एन प्लस फोर के बारे में, एन प्लस फोर एक नंबर है उसको जब आप थ्री से डिवाइड कर रहे हो तो क्यू प्लस वन क्या मिल रहा है कॉन्स्टेंट रिमाइंडर क्या मिल गया टू, इसका मतलब यह भी नंबर क्योंकि रिमाइंडर बच जा रहा है जब थ्री से आप डिवाइड कर रहे हो, तो क्या इसको बोलोगे कि थ्री से डिविजिबल है, नहीं इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री। तो सेकेंड केस में भी हम लोगों ने देखा कि आउट ऑफ एन एन प्लस टू एन प्लस फोर ओनली वन इज डिविजिबल दैट इज ए नहीं है, सेकेंड भी नहीं है, दो नहीं है, तो 100% थर्ड तो होगा ही दैट इज। सो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा दैट इज एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई थ्री बट एन और एन प्लस फोर इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री। यहाँ पे आप लिखेंगे एक लाइन। नाउ दो केस हम लोगों ने कर लिया, एक और केस करना है दैट इज केस थर्ड। थोड़ा सा लेंदी वर्क तो है बट अगर आप समझ रहे हैं देन आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर्स थ्योरी अगर आप इसको समझ गए तो आगे आपको काफी एडवांटेज मिलेगा, और रियल नंबर में जो समझने वाला चीज है ना बस यही है। एक एक क्लास और हम लोग कर लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा ना उसमें आप काफी एंजॉय करोगे। केस थर्ड, इसमें क्या है एन अगर कौन सा इस पालक इस दैट इज थ्री क्यू कर चुके हैं, दूसरा थ्री क्यू प्लस वन हो चुका है, थर्ड क्या है अगर एन थ्री क्यू प्लस टू होगा तब। केस थ्री, व्हेन एन इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, अगर एन थ्री क्यू प्लस टू होगा तब। देन हमें चेक किसके लिए करना है, एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर, एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर, एन जब थ्री क्यू प्लस टू है एन प्लस टू क्या बन जाएगा थ्री क्यू प्लस टू, एन ही थ्री क्यू प्लस टू है इसमें प्लस टू एड करना होगा तो क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं थ्री क्यू प्लस फोर। फोर कैसे बना आप समझ गए ना। अच्छा एन प्लस फोर के बारे में क्या बोलोगे, फोर प्लस टू सिक्स दैट इज थ्री क्यू प्लस क्या होगा सिक्स, थ्री क्यू प्लस टू एन के जगह डाले उसमें फोर जब ऐड करेंगे तो फोर प्लस टू क्या बन जाएगा सिक्स। चलिए इसमें थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, फोर को ब्रेक कर देते हैं थ्री और वन के टर्म्स में, क्योंकि थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फोर नहीं होगा। सो इसको लिख सकते हैं थ्री क्यू प्लस थ्री प्लस वन, अब इसमें से थ्री आप कॉमन ले लो, जब थ्री कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा क्यू प्लस वन प्लस वन। यहां ब्रेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप थ्री को कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा क्यू प्लस टू। अच्छा अब इसके लिए बताते हैं कि क्या थ्री क्यू प्लस टू
मतलब n को जब 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो क्यू क्वोशन्ट मिल रहा है, 2 रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि रिमाइंडर बच जा रहा है. इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इसके बारे में क्या बोलेंगे? 3 से जब डिवाइड किया गया n प्लस 2 को तो q प्लस 1 यह क्या क्वोशन्ट मिल रहा है. इस केस में इंटायर को क्वोशन्ट आप बोलोगे एंड 1 क्या है रिमाइंडर, मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर बच जा रहा है. तो क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा? नहीं, मतलब यह भी नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा. इज नॉट डिविजिबल बाय 3. आइए यहां देखते हैं, 3 से जब नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो यह क्या पोर्शन है आपका? पोर्शन q प्लस 2 को आप ये मान सकते हो, दैट इज दिस इज पोर्शन. अच्छा, इस केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब रिमाइंडर 0. अच्छा, मतलब n प्लस 4 3 से क्या है? डिविजिबल है. एक को तो डिविजिबल होना ही है. इज डिविजिबल बाय 3. लास्ट में लिख देंगे, हेंस 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3. सो हमने इस क्वेश्चन को देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सीबीएसई के लिए.